अवैध बालू परिवहन और हूटर पदनाम पट्टिका लगे वाहनों पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने करी कार्रवाई। जहां से उत्तर प्रदेश से खबर सामने आ रही, जहां जिलाधिकारी के निर्देशन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पुलिस बल के संग ताबड़तोड़ छापेमारी, आधा दर्जन अवैध बालू से भरे डंपर जब्त करके FIR दर्ज कराई गई है। उतई देर रात अवैध तरीका से लग्जरी गाड़ियों में हूटर और पदनाम पट्टिका लगा के चलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करी गई है। बुधवार का जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देशन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट निधि बंसल ने पुलिस टीम के संगे कानपुर बाईपास पहुंच के अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अभियान चला के बालू से भरे 8 डंपर पकड़ लिए हैं, जिनमें 6 के खिलाफ FIR और 2 का सीज करो गए है। उतई ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने देर शाम इलाइट चौराहा पहुंच के लग्जरी गार्डन में लगी काली फिल्म और हूटर पदनाम पट्टिका के खिलाफ कार्रवाई करत गए, हूटर पदनाम पट्टिका हटवाई है और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। टोटल 13 गाड़ी सीज की हुई हैं, जिनको थाने में रखा गया है। उनमें से 6-7 गाड़ी हैं जो हूटर लगाए हुए थे, प्राइवेट गाड़ी थी, उनको भी थाने में रखा गया है और बाकी 4 गाड़ियों को चालान पर छोड़ा गया है। ये अभियान अब निरंतर होगा। आज का अभियान हम अभी 5-10 मिनट में ख़त्म कर देंगे, फिर ये पीरियोडिकली हर बार हर 4-5 दिन में या 5-6 दिन में हम दोबारा से दोहराएंगे, जिससे थोड़ा सा डिटरेंस क्रिएट हो लोगों में जो गैरकानूनी तरीके से गाड़ियां चलाते हैं। हूटर वाली अभी अब काउंट 5-6 गाड़ियां तो हैं ही हैं। लाल की खबर में इतना ही, आगे खबरें जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना वो बिल्कुल ना भूलें। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता झांसी से शोएब रायन की, ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पर। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड।